आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चार पांच जने जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो एक पब्लिक रिव्यू हो जाएगा इस गाड़ी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसका डिज़ाइन है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट लुक आपको इसका कैसा लगा गाड़ी का? बहुत अच्छी है, मतलब लगती है ना, मतलब कोई जैसे स्टैंड आउट कर रही है, मतलब एक है ना। अच्छा, तो जैसे आपके अभी कोई गाड़ी है? नहीं, तो सपोज आपको पहली गाड़ी लेनी, तो आप लोगे इस गाड़ी को? मतलब कंसीडर कर सकते हो जैसे सिटी यूज के हिसाब से? पाँच छः लाख में अगर होगी तो करोगे, और उससे ऊपर आई तो देखते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें 200 किलोमीटर की रेंज दी है, जैसे इसमें 200 किलोमीटर की रेंज दे रही कंपनी, तो वो आपको अच्छी लग रही है, फिर मतलब कि और भी बढ़ सकती थी? 7 to 8 hours। बढ़िया है, सीएनजी से बेटर ऑप्शन आपको ये ईवी कार लग रही है? कोई सीएनजी के लिए तो आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, अगर आप किसी फंक्शन है, तो अगर आप कहीं अब फेस्टिवल सीजन चलेगा, हाँ हाँ, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। हाँ हाँ, और रिलायबिलिटी तो का ऑप्शन आ जाता है एक? और सर अगर आप कितना बताया टाइम आपने इसका चार्जिंग का? 7 to 8 hours। और आप इसको घर में भी, आपका एमजी वाले चार्जर लगा जाएंगे घर में भी आराम से खड़ी करके? हाँ, तो एक जैसे छोटी गाड़ी आराम से पार भी हो जाएगी, है ना? दो स्कूटी जितनी जगह लेगी मुश्किल से, अगर बराबर बराबर खड़ा कर दो, है ना? थोड़ी सी बड़ी है ना। तो इंटीरियर जैसे आप सभी ने देखा, अभी आप सभी ने इंटीरियर देखा है ना इसका, तो कैसा लगा आपको इंटीरियर इसका? मतलब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कस्टमर को, क्या क्या चीज चाहिए। लुक तो देखने में थोड़ा लग्जरी लग रहा है, तो वाइट और थोड़ा इसमें ग्रे, अंदर थोड़ा टेस्ला वाला लुक आ रहा है। तो यार ये देखो, ये जनरल पब्लिक व्यू है। एक एमजी को काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत काम किया एमजी ने इस गाड़ी पे, इंडिया के हिसाब से बहुत परफेक्टली इन्होंने ट्यून करी है। थोड़ा देखने में थोड़ा लग्जरी लुक भी आ रही है। अंदर स्पेस, आप बैठे तो आपको कैसा लगा इसमें? स्पेस देखो, बैठा तो नहीं मैं भी, अभी बैठे नहीं, बैठो कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। हाइट कैसी लग रही है आपको गाड़ी की बैठने के बाद? हाइट अच्छी है ना गाड़ी की, और अंदर भी इसमें जो आपको हैंडल दिए हुए हैं, और डोर की क्वालिटी आप देख पा रहे हो काफी हैवी लग रही है आपको, है ना? प्राइस को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो आपको स्क्रीन्स कैसी लगी इसके, जो इन्होंने नई निकाली है? आपको पता है एमजी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखती है। आई थिंक इसमें आपको 7 तो नहीं बोल सकते, 7 इंच है ये, 8 इंच है, बट जो साइज है ना अंदर थोड़ा छोटा लग रहा है। बाकी बट रेजोल्यूशन वगैरह कैसा लग रहा है जैसे, है ना? बिल्कुल फोन की तरह लग रहा है, अच्छी लग रही है ना, लग रही है। और अंदर से बैठ के ऐसा लग नहीं रहा होगा कि 8-10 lakh की गाड़ी में बैठे हैं? आपको लग रहा है भैया, आप बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है 8-10 lakh की गाड़ी है? नहीं लग रहा है। अगर सच बताऊं मैं आपको, जैसे अभी जो एक्सयूवी जो आई है, हाँ हाँ, थोड़ा उसकी तरह लग रहा है बैठने पे ना। और पीछे भी अगर आप देखोगे तो स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है इसमें। पीछे भी अगर हम, पीछे आप जाके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर आओ, छोटी फैमिली है ना, आराम से आप आओ, तो काफी बेस्ट है। और लेकिन साउंड भी थोड़ी सी, हाँ, स्मूथ है एकदम। अगर आप पीछे बैठो एक बार, आप तो यानी के अंदर जाने के लिए, हाँ, आपको ऐसे टंबल डाउन करनी पड़ेगी। अब आप मेरे को बताओ इसका स्पेस कैसा है? पीछे बैठ के स्पेस में भी थोड़ा सा, मतलब आपके टच हो रहे हैं पैर? नहीं टच तो नहीं हो रहे, बट आई थिंक लेग रूम जो दिया हुआ है ना थोड़ा, हाँ हाँ, वो आई थिंक 2-3 inch के आसपास का लेग रूम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और हेड रूम वगैरह आपको कैसा लग रहा है? हेड रूम काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। और साइड में जो स्पेस है, साइड में एक बंदा, अगर मैं यहाँ पे लगेज रख दूँ इसकी जगह, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी इसमें? मेरे हिसाब से अगर 3 बंदे हैं ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके हिसाब से काफी अच्छी गाड़ी निकाली मुझे, अच्छी लग रही है ना, काफी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, आपका नाम? सुमित कोहली। थैंक यू सो मच सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।